नमस्ते सबको, जोहार, प्रणाम। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं भी एकदम तंदुरुस्त, जैसे मेरे बाल दिख रहे हैं ना तंदुरुस्त, वैसे ही मैं भी एकदम कुशल मंगल हूँ। तो आज फिर से मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग का राज। वैसे भी तो हेयर ऑयलिंग सभी कोई करते हैं, लेकिन मैं किस टाइप में हेयर ऑयलिंग करती हूँ, जो कि मेरे हेयर इतने लंबे हैं, मोटे हैं, सिल्की है और घने हैं। वैसे मैं हेयर ऑयलिंग खुद से भी करती हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं अपनी दीदी से भी हेयर ऑयलिंग करवाती हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरी दीदी के द्वारा स्टेप बाय स्टेप हेयर ऑयलिंग किया गया है। तो क्या आप लोग देखने के लिए एक्साइटेड है? पक्का होंगे। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक गलतियाँ जो अक्सर हर लड़कियाँ करती है कि अपने हेयर पे ऑयलिंग अप्लाई करने से पहले वो कंघी नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनका जो बाल जो झड़ना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपने हेयर पे ऑयलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होता है वो अपने हेयर को सुलझा ले, ताकि जो आपका हेयर है वो फंसे नहीं। तो मैंने इस वीडियो पे बहुत सारे हेयर ऑयलिंग के स्टेप्स बताए हैं, खास साथ साथ में मसाज भी बताए हैं। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप अगर आप हेयर ऑयलिंग के टाइम फॉलो करते हैं तो आपके जो हेयर ऑयलिंग है वो बहुत यूनिक टाइप में होगी, और जब आप किसी में भी अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि आप कहाँ से देख के कर रहे हो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अलग अलग स्टेप्स बताए हैं और मसाज भी बताए। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो पार्टीशन करके आपको हेयर पे ऑयलिंग अप्लाई करनी है, जैसे इस टाइप में दिखा रहे हो उस टाइप में करना है। अगर आप अपने बालों पे हेयर ऑयलिंग नहीं करते तो आपके बाल जो है कभी स्वस्थ नहीं कहलाएंगे, वो डैमेज ही कहलाएंगे, क्योंकि बालों को जो पोषण मिलता है वो ऑयलिंग के थ्रू ही मिलता है। अगर आप अपने बालों पे हेयर ऑयलिंग नहीं करते तो हमेशा झड़ते होंगे आपके बाल, डैंड्रफ होंगे और एकदम खसखुडरा लगेगा आपका हेयर। तो अगर आप अपने हेयर को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, सिल्की घना बालों को बढ़ते रहना चाहते हैं, तो आप अपने बालों पर समय समय पर हेयर ऑयलिंग करें। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं उससे पहले आपको नियम बना लेना है कि आपको हेयर ऑयलिंग करना है, बिना हेयर ऑयलिंग के ना शैम्पू करना है। बस जड़ों पे ही हेयर ऑयलिंग करने से ऐसा नहीं कि आपके हेयर जो है वो पूरी तरह से, आपको जो हेयर होते हैं पीछे वाले उसमें भी, जैसे मैंने यहाँ पे इस टाइप में दिखाया, आपको इस टाइप में भी अपने हेयर पे ऑयलिंग को अप्लाई करनी है। बस जड़ों पे ही आप हेयर ऑयलिंग करने के बाद ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा हेयर ऑयलिंग हो गया, नहीं, आपको पूरा हेड पे करनी है, आपको पूरा हेयर पे करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप टू स्टेप दिखाया किस टाइप में मैंने पूरा लॉन्ग हेयर को अपने मतलब हेयर ऑयलिंग करी हूँ। स्टेप टू में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जड़ों पे लगाने के बाद आप अपने बालों पे लगाएं। बहुत कोई क्या होता है ना कि जड़ लगाने के बाद ऐसा इधर छोड़ देते हैं, नहीं लगाते हैं। ऑयलिंग के साथ साथ आप लोग को मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं हेयर मसाज भी, हेड मसाज भी, मतलब हेयर ऑयलिंग के साथ साथ जो रिलैक्सिंग एक मसाज होता है वो भी आज आप लोग के साथ एकदम शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये करते हैं किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको ये बोला जाएगा कि आपने सीखा कहाँ से है ये। तो फर्स्ट जो है यहाँ से करनी है आपको, इस टाइप में दबा के पूरा हेड पे लेके जाना। और सच में बोले ना, ये इतना रिलैक्स था ना, इतना रिलैक्सिंग था ना, कि मेरी दीदी जितना भी हेयर मसाज की थी मैं सो गई से मसाज किया। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप अप्लाई करते हैं तो बहुत रिलैक्स होगा, और अपने मतलब हेयर मसाज करने के साथ साथ आपका हेड मसाज भी हो जाएगा, और ये पूरा नसे को खोल देती है, मतलब एक्टिव कर देती है पूरा
जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप अपना हेयर ग्रोथ चाहते हैं तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो है वो यह है कि आप जो अलग अलग शैम्पू टाइम टू टाइम जो चेंज करते हैं, और ऑयलिंग भी उसे बंद करना होगा। अब जो भी ऑयलिंग यूज़ करते हैं या शैम्पू यूज़ करते हैं जो आप में सूट करता है उसको कैरी रखना है फर्स्ट। सेकेंड यह है कि आप बिना हेयर ऑयलिंग के आपको हेयर वॉश नहीं करना है। आपको वीक में कम से कम 2 बार आपको हेयर वॉश करना ही है। अगर आप बिना ऑयलिंग के हेयर वॉश करते हैं तो आपका जो सबसे अधिकतर समस्या जो होगी वो है बालों का झड़ना। बालों का झड़ना जो है वो अधिकतर यह है कि बाल को पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारे बाल कमज़ोर होते हैं और वो टूटने लगते हैं। डायरेक्ट माथे से ही वो अपने जड़ से उखड़ने लगते हैं वो। तो अगर आप अपने चाहते हैं कि आपके हेयर स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, तो हेयर ऑयलिंग पक्का करना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि हेयर ऑयलिंग बिना करने के बावजूद भी हम शैम्पू करते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा रुखड़े होते हैं, डैमेज होते हैं और डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो मैं कोई जादुई चीज़ नहीं खाती हूँ या तो ऑयल नहीं लगाती हूँ जिसके वजह से मेरे हेयर लंबे हैं। मैं जितने भी आप लोग को टिप्स बताई हूँ सिंपल सिंपल ही है। ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल है ये तो हर, लेकिन यही चीज़ को फॉलो करने में हर लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से आज उनके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है। और हाँ, पोषण युक्त आहार भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खाना उना नहीं खाते हैं तो आपके हेयर एकदम भी ग्रोथ नहीं होंगे। तो कृपया आप अपने खान पान पे पोषण युक्त भोजन करें, जिससे आपके जो हेयर है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करें। तो यही था आज का वीडियो, लॉन्ग हेयर, ऑयलिंग, मसाज, कॉम्बिंग, बालों की चोटी बनाना। आई होप अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के।